हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमें रातों रात निकलना पड़ा, और यहाँ पे हस्बैंड तो अभी ठीक थे पर उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा, आपको पता है मेरा क्या टाइमिंग चल रहा, तो मैंने कहा कि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम हो और मुझे टेंशन हो, इससे अच्छा है कि हम उनको दिखा दें। और इसी चीज़ का मुझे लग रहा था कि कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, पर ठीक है भगवान की दया से। और यहाँ पे देखिए, अभी हम ट्रेन ही देख रहे थे और आके ही हम खड़े हुए थे, इतना लेट ट्रेन था। सॉरी, लेट ट्रेन नहीं था, मतलब ट्रेन इतनी जल्दी जा रही थी कि 10 मिनट बाकी बचे थे और 11:30 की ट्रेन रहती है। यहाँ पे देव को तो बेचारे को पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कैसे करने जा रहे हैं, बस वो उसको देखने में अच्छा लग रहा था ये सब चीज़। और अब सीधे मैं आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा ट्रेन रुका हुआ था क्योंकि रात में, दिन में इतना ज़्यादा थक गई थी ना एकदम, और फिर सीधे हम सो गए थे। कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम थोड़ी देर भी बैठे, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। और यहाँ पे बस ट्रेन हमारी चल दी है, ये देखिए। तो देव तो बढ़िया मज़े से बाहर देख रहा है। और अब यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन था पर सारी हमें ऊपर ही ऊपर मिली थी। अच्छा, कुछ लोग अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो नीचे दे देते हैं सीट, और कुछ लोग नहीं मिल पाते हैं ना तो वो नहीं देते हैं। तो फिर मिल गई थी, तो हस्बैंड नीचे सोए थे और बाकी हम लोग ऊपर ऊपर वाली सीट में एडजस्ट हो गए थे, क्योंकि उनका ऊपर नीचे का हो नहीं पाता है ना, इस वजह से। तो वैसे तो यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि तुम भी मत नीचे ऊपर लेटो, तुम नीचे ही लेटो, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं लेट ही रहूँगी मम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, हर किसी का नेचर एक सा नहीं रहता ना, इस वजह से। और यहाँ पे फिर सुबह हो गई थी और क्या बोलते हैं, लेट वहाँ से जल्दी निकल गई थी पर कहीं ना कहीं बीच में रुक गई। तो फिर यहाँ पे हम 10 बजे समथिंग आए थे। उन्हीं में इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, थोड़ी क्या बहुत हो गई थी। तो हमने डॉक्टर से फिर फ़ोन मिलाया, डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, वहीं पे टेस्ट करा लो अपने, और क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से हमारा जाना नहीं हो पा रहा था, फिर तो जैसे तैसे अलग से जो जहाँ पे पैथोलॉजी लैब वाले का नंबर है डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि अब चौथराम में तो बैठते नहीं हैं। और चौथराम ऐसा था कि हमें पूरा रास्ता पता था, यहाँ पे बहुत सारी जगह भटकना पड़ता, फिर हमने उसी लैब वाले को यहाँ पे बुला लिया था। और कहीं भी जाएं आए पर इनका जो दवाई का टाइमिंग है वो 10 बजे दवाई खाना ही खाना है, जैसे रात को 10 बजे ऐसे यहाँ पे 10 बज गए थे। हमें लगा कि टाइम वो हो जाएगा तो उन्होंने खाली पेट ही दवाई खा ली थी। और क्योंकि मैं बता दूं कि खाली पेट दवाई, अब आप समझ सकते हैं, 3 गोली तो किडनी ट्रांसप्लांट वाली है जो कि थोड़ी सी पावर एमजी वाली है, नाश्ता के बाद खाना, पर कहाँ यहाँ ट्रेन में खाना मिलता। तो ये होता है हमारे साथ, कई बार ही होता है, पर भगवान की कृपा सब कुछ ठीक चलता रहे ना, यही मैं चाहती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने दवाई खा ली थी तो ठंड तो थी क्योंकि ठंड ट्रेन में हवा भी चल रही थी, पंखा भी बंद थे। और यहाँ पे ये दे बोल रहे थे कि मैं क्या सूजा दिख रहा हूँ मेरा फेस, तो मैंने कहा नहीं, सूजा नहीं दिख रहा है, एक्चुअली उठे हो ना इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो देखिए, देव भी यहाँ पे बैठा हुआ था और देव को लग रहा था कि हम कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी ना 5-6 महीने बाद आया हुआ था ज़्यादा ही इससे। तो मैंने कहा नहीं, लाल आँखें दिख रही एक तो बस, बाकी फेस सूजा नहीं दिख रहा है। और टेंशन मत लो, जितना टेंशन लोगे उतना थोड़ा समझ सकते हैं ना, क्योंकि टेंशन जो होता है वो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, बाहर का ट्रेन ऐसे रुक रुक के जा रही थी, बहुत घंटे घंटे तक रुकी थी, सो हम लेट हो गए थे। और देव भी यहाँ पे देख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था बाहर देखना। एक्चुअली होता है ना कि घर में रहे रहे और बाहर का नज़ारा कुछ देखो तो अलग,
पर फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे, और यहाँ पहुँचते ही पहुँचते उनको थोड़ा सा मतलब वीकनेस लग रहा था, चक्कर टाइप के आ रहे थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, हम स्टेशन में ही चेकअप करा लेते हैं। तो फिर हमने उनको फ़ोन में लाया, फिर लैब वाले यहीं पर आ गए थे, तो सैंपल भी उन्होंने यहीं पर ले गए थे। तो अभी आप आगे देखिएगा, खुद ही आप देख लीजिएगा। और इस बार जैसे पहले की होते हैं ना 2-3 टेस्ट लिखते, तो इस बार सर ने और अपने तरफ से अलग से टेस्ट भी लिखे हैं, जैसे यूरिक एसिड ये सब। तो ये सारे 4-5 टेस्ट करवाने थे। तो टेस्ट जो 4-5 होते हैं, तो वो सब हमने बोला कि करवा लो, यहीं पे करा लो एक साथ। पहले तो उन्होंने बोला कि मैं कराऊं कि नहीं कराऊं, तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे करा लो, फिर आराम से तुम आओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आओगे यहाँ पे टेस्ट तो होंगे नहीं और मैं क्या देखूँगा, तो तुम आराम से आओ। और एक बात तो ये है, और ऊपर से थोड़ा सा ये जो हॉस्पिटल है ना, ये थोड़ा लेट ही खुलता है। चौहित्राम का तो मुझे सब कुछ पता था कि हाँ इतने बजे जाना, इतने बजे ये होना है, ये होना है, पर यहाँ का मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं खुद ही आ रही हूँ, आपको पता है। और इस वजह से मैं आई, क्योंकि फिर आपको पता है कि हाँ इनको कभी कभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैंने कहा एक बार ही हम दिखा देंगे, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, है ना। तो निस्फिक्र हो जाएंगे हम, क्योंकि बार बार इनको प्रॉब्लम से अच्छा कि एक बार हम अच्छे से पूछ लें डॉक्टर से, वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि अब टाइम भी हो गया है थोड़ा सा, और बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, 1-1.5 महीने बाद। तो यहाँ पे हम तो पहुँच तो गए थे, पर यही है ना, लेट हो गया था हमें, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, हद से ज़्यादा। और मैं इनसे बस में जैसे जैसे हम सोच रहे थे कि पहुँच जाए, फिर देखते हैं क्या होता है क्या होता है। तो फिर मुझे मैं बताई ना, फिर मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, और आपको पता है कि मेरी हालत क्या है। मैं मम्मी को बोल रही थी इलेक्ट्रॉनिक सीडियो में चलो, वो बोले नहीं मुझे डर लगता है। तो फिर वो अलग से सीडियो में गए थे हम, जो वो इलेक्ट्रॉनिक होती ना, क्योंकि हस्बैंड को उतारना चढ़ना सीढ़ियाँ ज़्यादा ये सब, मैंने कहा रहने देते हैं हम। तो यहाँ से मैं देव को, मैं और ये उससे आए थे, और वैसे भी काफ़ी उतरना चढ़ना हो गया था, सामान भी बहुत था, क्योंकि हम इस हिसाब से लेकर आई थे, बहुत दिन का सामान लेकर आए थे। और अभी मुझे वॉइस ओवर में ही वो करना पड़ रहा है, मैं एक्चुअली फ़ेस टू फेस अपना जो है आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही हूँ, उसका रीज़न आपको बाद में ही बताऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पैथोलॉजी लैब वाले को हमने बुलवा लिया था, और सैंपल यहीं पर दे रहे हैं हम। तो ये स्टेशन ही है, आपको खुद भी दिख रहा होगा, हम यहीं पे उतरे थे, और मिनिमम 4 या 5 टेस्ट थे, जिसमें कि मेन तो क्रिएटिनिन था और यूरिक एसिड था, जिसकी रिपोर्ट शाम को आएगी। शाम को मतलब वही 2-3 बजे तक आ जाएगी, इसलिए हमने कहा 10 बजे तक करा लो। और फिर बाद में इनको थोड़ा ठीक लगा है, जब मैंने कुछ थोड़ा बहुत खिला दिए थे ना, क्योंकि ट्रेन में ऐसा हम कुछ ले के नहीं गए थे कि उनके खाने लायक हो, कुछ खिला दिए तो उनको अच्छा लगा। और बाकी तो आपने पूरी सिचुएशन आप जानते हैं हमारी, तो ये घबरा रहे हैं, कोई भी हो या जिसका ब्लड निकलेगा, जिसको इतनी बड़ी कहना चाहिए ट्रांसप्लांट होगा, या डॉक्टर से विस्ट करेगा कैसी रिपोर्ट आएगी क्या कैसा होगा, उसको स्वाभाविक बात है टेंशन होगा। और हम हिम्मत उनको दें भी तो कितनी दें, है ना, जितनी देते बनता है उतनी तो दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे बस हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, हॉस्पिटल के लिए हम 1-2 घंटे रुके थे, और जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आपको पता है मुझे वीडियो शूट करना, आप लोग तक पहुँचाना, ये भी मेरा काम है, और कोशिश मेरी पूरी। यहाँ पे बस सुलभ के बाहर बैठे हुए थे, हमने कहा ऑटो को हम देख लेते हैं, यहीं पर बैठे रहो जब तक को, क्योंकि एकदम चलना फिरना घूमना ये सब, ब्लड निकलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना इनको ज़रूरी है। और 2 सीरिंज ब्लड निकाला था यहाँ पे, फिर हमने चाय पी थी, और फिर देखिए देखी चाय पी रही हूँ, हमने नाश्ता भी किया था अच्छा बाहर ही बैठ के। मैं इनसे बोल रही थी कि तुम कुछ खा लो, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं खाऊँगा, कोई अच्छा सा देखूँगा कैंटीन वहाँ पर खाऊँगा। तो थोड़ी दूर में था, क्योंकि इनको बाहर का बिल्कुल भी खाना पीना मना है, पर यहाँ पे हम कैंटीन में ही खाना खाते हैं।
और ये देखिए अब हम सीधे हॉस्पिटल की ओर बैठ रहे हैं और आज बातें बहुत सारी हो गई है। चलिए साथ ही यहाँ पे अपने वीडियो का एंड कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, आप पे भरोसा है कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, तो क्योंकि मेरी हालत खुद की कैसी है आपको पता है। और बैठे बैठे ही ना मतलब जो ये जो है तो इस टाइम मुझे ना पेट में दर्द टाइप का होने लगता, कभी कुछ होने लगता है। पैसे तो ठीक थी मैं, और एक कहता ना मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं बताना चाहती थी कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। ऑटो में बढ़िया हम बैठ गए थे बकायदे, और वो साइड में बैठे हुए थे। इन लोगों ने मुझे बीच में इसलिए बैठा लिया था क्योंकि आठ साइड से ना दचक्के लगते हैं। मैंने कहा बताओ अभी भी कंडीशन में मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो अचानक से फिर मुझे ना अचानक से दर्द उठा था ऐसा, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र करके आप, और मैंने अपने सफ़र के लिए तो डॉक्टर से पूछ लिया था कि मैं ट्रेवल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए इस बार आई हुई हूँ और पूछ लूँ, सारी जानकारी ले लूँ, क्योंकि अब आपको पता है फिर मैं चार पाँच छः महीने नहीं आ पाऊँगी। और बार बार इनको प्रॉब्लम हो, सच है एक बार हम अच्छे से विजिट कर लें, डॉक्टर से पूछ लें तो ठीक रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी उठानी पड़ेगी, बाद में तो मुझे नहीं उठानी पड़ेगी, वरना फिर मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को लेके, देव को लेके, इनको लेके कहाँ कैसे आऊँगी इस वजह से। और अभी मम्मी भी थे तो मैंने कहा चल चलते हैं। तो यही था, और ये देखिए इसी टाइम में इतना ज़्यादा उसी टाइम मुझे इतना पेन हुआ था अचानक से। जब दर्द होता है तो आपको पता होगा कि कैसा दर्द होता है, क्या होता है। मुझे सारी बातें तो मुझे नहीं लगता कि आपको बतानी चाहिए। बाकी आप हम आरती का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, और आज भी यही उम्मीद आप लोगों से करती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि बस आप पे वो लगता है ना, भरोसा है मुझे कि आप मेरे साथ हैं, तो फिर क्या कोई डरने की बात नहीं है। और इतनी सारी मुसीबतें आई और मेरे जो फेस में पेन दिख रहा होगा वो अलग ही दिख रहा है। चलिए यहीं भी बैठना आ रहे हैं, तो अभी मम्मी लोगों को हमने ये मंदिर में बैठा दिए हैं क्योंकि वो परेशान होंगी मम्मी और देव को, और बाजू में ही हॉस्पिटल है तो अब इनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। कितने किलोमीटर पड़ा तुमको? दो चार ना, मेरे को भी डाल देना। और अभी हम ऑटो में आए हैं ना, तभी ठीक है, रिपोर्ट आने में भी थोड़ा सा टाइम है। और यहाँ अपोलो में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, वो देखिए वो मंदिर है। चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं ना। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना। आज मैं अच्छा क्या बोलना, बस यही बोलूँगी कि सब कुछ ठीक हो, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे फिर। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से।